हेलो गाइस, वेलकम टू योर न्यू माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप माइनक्राफ्ट में एक विलेजर ब्रीडर बना सकते हो। ओके, सबसे पहले आपको एक फ्लैट एरिया ढूंढ लेना है, देन उसके ऊपर एक 9x9 का एरिया बना लेना एंड उसके पीछे एक 4x5 का छोटा सा एरिया बना लेना। ओके, देन यहाँ पर आकर एक टॉर्च प्लेस करना एंड यहाँ पर एक कंपोस्टर और इसके राइट साइड में यहाँ पर एक और कंपोस्टर। देन दो ये वाला ब्लॉक है, इसको तोड़कर वाटर बकेट प्लेस करना एंड उसे कवर कर देना और अपोजिट साइड पे भी सेम चीज करना। नाउ जो मिड एरिया है उसे फार्म लैंड में कन्वर्ट करके उसके ऊपर कैरेट लगा देना है। नाउ यहाँ पर आकर ऐसे करके तीनों बेड प्लेस करना और जो ये मिड ब्लॉक है इसे तोड़ कर वहाँ पर एक ट्रैप डोर और उसके ऊपर एक टेम्पोरारी ब्लॉक, देन उसके ऊपर एक और ट्रैप डोर। एंड ये ब्लॉक है इसको तोड़ कर दो ब्लॉक नीचे जाना, देन सामने की तरफ 5 ब्लॉक टिक करना और देन लेफ्ट साइड में मुड़कर एक टेयर केस बनाकर ऊपर आ जाना है। देन ये जो 4 ब्लॉक है इसे तोड़कर एक रेड टॉर्च प्लेस करना, देन एक स्टोन ब्लॉक, देन पीछे एक डिस्पेंसर और उसके ऊपर भी एक स्टोन ब्लॉक और यहाँ पर भी कुछ स्टोन ब्लॉक प्लेस कर देना एंड दो पावर रेल एंड देन दो नॉर्मल रेल। देन जो डिस्पेंसर है उसे माइनक्राफ्ट से फिल कर देना एंड यहाँ पर एक ट्रैप डोर और इसके ऊपर एक बटन एंड ये जो डार्ट ब्लॉक है इसे तोड़कर दो ग्लास लगा देना और तब आप बटन को प्रेस करोगे ऐसे माइनक्राफ्ट ऊपर आना चाहिए और ट्रैप डोर को खोल कर आप यहाँ से डिस्पेंसर को रिफिल भी कर सकते हो। नाउ आपको दो विलेजर लाकर फार्म के अंदर रखना है, बाद उससे पहले कंपोस्टर के पीछे दो ऐसे टेम्पोरारी ब्लॉक लगा देना और आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो विलेजर को लाने के लिए। मुझे बोट वाला इजी लगा इसलिए मैंने बोट वाला मेथड यूज किया। नाउ आपको एक रात तक वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो फार्म है वो काम नहीं करेगा। और आप अगर फार्म को इंस्टेंटली वर्क करवाना चाहते हो तो विलेजर को एक टैग ऑफ क्रॉस दे देना एंड बाहर से थोड़ी देर के लिए दूर आ जाना।